हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली आज दिल्ली में भाजपा में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्हें भाजपा में शामिल कराएंगे। पहले उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा थी। दो दिन पहले कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा था कि देवेंद्र बबली ने उनसे मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें टिकट के लिए मना कर दिया गया। 2019 में बबली ने भाजपा उम्मीदवार सुभाष बराला को हराया था। क्योंकि अब वह राज्यसभा सांसद है, ऐसे में भाजपा बबली को टुहाना सीट पर उम्मीदवार बना सकती है। बबली गठबंधन सरकार में पंचायत मंत्री थे। सरकार में रहते हुए उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खास माना जाता था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बबली ने कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा का समर्थन किया था। वहीं विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी होने से पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को दिल्ली बुला लिया है। यहाँ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और महासचिव सतीश पूनिया के आखिरी मंथन करने के बाद चर्चा शुरू हुई। उम्मीदवारों की लिस्ट कभी भी आ सकती है। इनमें से 20 नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं। देवेंद्र बबली ने 2014 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2019 में जेजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में पंचायत मंत्री बने और सीएम रहते मनोहर लाल खट्टर के करीबी भी रहे हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।